हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम निकालना। दोस्तों, एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे अभाज्य संख्याएं। जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर, कहते हैं। ये क्या होती है? ये जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, ऐसे कर करके ये बहुत सारी होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ अपने स्वयं से ही कटती है। देखिए, अभाज्य जो किसी से भाजित नहीं होती है, जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा। 11 है, वो इन सबसे नहीं कटेगा, वो 11 अपने आप स्वयं से ही कटेगा। तो एलसीएम में हम अभाज्य संख्याओं का यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे 40 और 90 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 40 और 90 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या लेंगे, यानी कि 2। तो जो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो ये 2 से पक्का विभाजित होगी। तो हम इसको 2 से काटेंगे। काटने का अर्थ ये होता है कि हम 40 को 2 से भाग दे रहे हैं। 2 दूनी 4, कट गया ये 0, यहाँ आ गया तो 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये यानी कि जो 40 है वो 20 बार में कटेगा। तो देखिए, 2 20 बार में आ गया। और जो 90 है, 90 को जब 2 से भाग देंगे यानी कि 45 आएगा। अब देखिए, अब ये जो 20 है ये 2 से कट रहा है, तो 2 से काटिए, 10 बार में आएगा, लेकिन 45 नहीं कटेगा, इसको स्वयं इसे उतार देंगे। अब देखिए, 2 है, 2 5 10 कट गया, लेकिन 45 नहीं कट रहा है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे उतार देंगे। फिर देखिए, अब 2 से हो गया, अब 3 से देखेंगे। तो देखिए, 3 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 45 3 से कटेगा, तो हम 3 लेंगे। अब 3 से देखिए, ये 5 नहीं कटेगा, तो 5 को उतार देंगे। ये 45 को हम 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3 हो गया, ये 5, 3 5 15। काटने का अर्थ है कि हम इसको भाग दे रहे हैं 3 से, तो 45 जो है वो 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए, अब फिर से 3 से काटेंगे, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, नहीं 3 से कट जाएगा, 15 5 5 नहीं कटेगा, 5 वैसे उतार दीजिए, और जो 5 है, 15 हैं, वो 5 बार में आ जाएगा, यानी कि 15 को हम 3 से भाग देंगे, 3 5 15। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या से पहले काट लेंगे, फिर बड़ी संख्या पे आते हैं। ये नहीं कि पहले हम बड़ी संख्या पे आ जाएं, तो 3 से तब तक काटेंगे जब तक ये कट जाए। 5 से नहीं काट सकते, 5 से काटेंगे। अब देखिए, 5 से ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब जो ये फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर को यहाँ पर लिख लीजिए। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दो गुड़ा कैसे करते हैं? 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 5 15। अब देखिए, 6 चौक 24 24 हो गया, और ये गुड़े में 15, ये रफ में गुड़ा कर लीजिए, 24 गुड़े में 15। 5 चौके 20 की जरूरत होने को, 2 5 गुने 10 तो 12, ये 24, 0 4 2 6 2 1 3, यानी कि ये आ गया 360। अतः 40 और 90 का एलसीएम 360 है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, बिल्कुल आसान है। एलसीएम में हमें अभाज्य संख्या का ध्यान देना है। हमें सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, 2। अगर 2 से नहीं कटता है तो हम 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, ऐसे करते करते हम काटते जाएंगे। और काटने का अर्थ है हमारा भाग देने से। भाग देने के बाद जितने भी फैक्टर आते हैं, इसको फैक्टर बोलते हैं, इन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यही एलसीएम निकल जाएगा। दोस्तों एलसीएम बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।